वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 17 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल शून्य इनिशिएटिव के बारे में है। रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और इनका जो इंडिया ऑफिस है यानी कि RMI इंडिया, इन्होंने कोलैबोरेट किया है नीति आयोग के साथ और लॉन्च किया है शून्य कैंपेन। अब यहां पर शून्य कैंपेन में जो शून्य का मतलब है दैट इज जीरो एमिशन। हमें एमिशन को जीरो करना है, लेकिन कहां? अब ओवरऑल एमिशन तो जीरो हो नहीं जाएगा। एक्चुअली में यहां पर टारगेट किया जा रहा है डिलीवरी व्हीकल्स को। डिलीवरी व्हीकल्स से हमारा मतलब क्या है? आप जोमैटो से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हैं तो आपके घर तक वो चीजें किसी न किसी व्हीकल से पहुंचाई जाती हैं। प्लान ये है कि उन व्हीकल से एमिशन जीरो हो जाए, यही इस इनिशिएटिव का टारगेट है। तो यहां पर जो पूरा टारगेट सेगमेंट है, टारगेटेड सेगमेंट है, वो है डिलीवरी व्हीकल्स। प्लान ये है कि ऐसी व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, जिनसे एमिशन ना निकले। इसके लिए कंज्यूमर्स और इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर हम जीरो पोल्यूशन डिलीवरी इंश्योर करते हैं तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इस कैंपेन के हिस्से के रूप में कॉरपोरेट ब्रांडिंग की जाएगी और सर्टिफिकेशन भी किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऐसी इंडस्ट्रीज को जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ट्रांजिशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो डिलीवरी सेगमेंट में इन्वॉल्व हैं। एक ऑनलाइन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो डिलीवरी व्हीकल्स में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करके एमिशन को जीरो कर रहे हैं, यहाँ पर पॉल्यूशन किस तरीके से कम किया जा रहा है, उसका क्राइटेरिया वगैरह भी दिया रहेगा तो उसे हम यहां से ट्रैक कर सकेंगे। ध्यान दीजिएगा कि RMI एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 1982 में फाउंड किया गया था। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर आप ध्यान दें, वर्तमान में जो टोटल एमिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, उसका 10% केवल अर्बन फ्रेट व्हीकल से होता है। मतलब ऐसी व्हीकल से जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं अर्बन एरियाज में। और उम्मीद तो ये भी है कि आने वाले समय में यानी कि 2030 तक ये बढ़कर 114% तक चला जाएगा। इन दैट केस अगर हम ऐसा इंटरवेंशन करते हैं तो डेफिनेटली इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल टार बॉल्स के बारे में है। टार बॉल्स एक्चुअली में मुंबई के बीचेस पर देखे गए हैं, जैसे कि जुहू बीच और वर्सोवा बीच। टार बॉल्स होते क्या हैं? ये डार्क कलर का स्टिकी ब्लैक ऑयल बॉल्स होते हैं जो कई बार समंदर के किनारे इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये बन कैसे जाते हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि समंदर में जो क्रूड ऑयल है वो किसी वजह से फ्लोट कर जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है। वो किसी ऑयल जनरेटिंग फैसिलिटी से हो सकता है या फिर किसी शिप कंटेनर से हो सकता है जिससे ऑयल बह गया। अब ये समंदर में काफी लंबे समय तक तैरता रहता है और समंदर के पानी के साथ मिक्स होता रहता है। फाइनली ये छोटे छोटे बॉल्स का रूप ले लेता है और ये धीमे धीमे करंट्स और वेव्स के सहारे किसी न किसी बीच पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब यहां पर देखिए, वैसे तो इनका साइज बहुत छोटा होता है, मतलब ये एक सिक्के जितने छोटे होते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में इनका साइज एक फुटबॉल की गेंद जितना बड़ा भी देखा गया है। मशीनरी जो इस प्रकार की गंदगी को साफ करती है वो टार बॉल्स को साफ नहीं कर पाते, बिकॉज ये उसमें जाके पूरी तरीके से चिपक जाते हैं और जिस भी किनारे पर ये इकट्ठा होते हैं वहां पर बहुत ही खराब बदबू भी आती है। डिपोजिशन की बात करें तो अगर ऑयल स्पिल होता है यहाँ अरेबियन सी में, मान लीजिए कहीं पर भी, तो अल्टीमेटली ये टार बॉल्स जो हैं ये वेस्टर्न कोस्ट पे कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा होंगे और वहां के कोस्ट को खराब करेंगे। अब इसे देखिए, रिमूव किया जाता है जब हाई टाइड खत्म हो जाती है, तो फिर वेरियस तरीके से इकट्ठा करके रिमूव करने की कोशिश की जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के बारे में है। ये इसका 6th एडिशन है। रशिया के साउथ वेस्टर्न रीजन में जो एरिया है जिसे ओरेनबर्ग रीजन कहा जाता है, वहां पर ये 13 से 25 सितंबर 2021 के बीच में हो रहा है। रशिया इसे होस्ट कर रहा है। अब ये है क्या? ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें सभी देश मिलकर आ रहे हैं जो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। ध्यान दीजिएगा कि एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल होने का मतलब यह है कि ये 2 साल में एक बार होती है और
और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के बीच में मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। इस एक्सरसाइज के जरिए ये देश आपस में नज़दीक आते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को बेहतर करते हैं और जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो खुद को इतना कैपेबल बनाते हैं कि मान लीजिए कोई मल्टी नेशन मिलिट्री कंटिजेंट तैयार किया गया है टेरर के खिलाफ तो उसे कैसे हैंडल करना है उसकी तैयारी हो जाती है। इस एक्सरसाइज का स्कोप अगर आप देखें तो प्रोफेशनली एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अवेल करना कि कैसे ड्रिल्स करना है, प्रोसीजर्स एक दूसरे के कैसे हैं, ज्वाइंट कमांड को एस्टैब्लिश करना और टेरर थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए एक बढ़िया सा कंट्रोल स्ट्रक्चर तैयार करना। इंडिया के मिलिट्री कॉन्टिजेंट में 200 पर्सनल शामिल रहे जिसमें 38 तो इंडिया के एयरफोर्स से थे। ये दूसरी बार है कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इस प्रकार की एक्सरसाइज में। पहली बार इंडिया ने इसके 5th एडिशन में पार्टिसिपेट किया था 2018 में। अगर आप SCO की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 15 जून 2001 में बनाया गया था। जब बनाया गया था तो इसे संघाई 5 मैकेनिज्म नाम दिया गया था। इसमें 5 देश थे शुरू में, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गया और 2017 में फाइनली इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन किया। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर 2002 के जून में साइन किया गया था और सितंबर 2003 में इफेक्टिव हुआ। इसका एम यही है कि जो आसपास के देश हैं जो इसका हिस्सा हैं उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट बने, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के फील्ड में ये आपस में बढ़िया से कोऑपरेट करें। इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है साल दर साल। 2021 की चेयरमैनशिप तजाकिस्तान के पास है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस दो ही हैं SCO की, एक तो है रशियन और दूसरी है चाइनीज। इसकी दो परमानेंट बॉडीज हैं, एक है SCO का सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है और रैट्स की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। रैट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये ताशकंद में है। इनका बेसिक फोकस होता है टेररिज्म को काउंटर करने को लेकर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हाइबोडोन शार्क के बारे में है। अभी हाल ही में हाइबोडोन शार्क की जो टीथ हैं वो टूटे फूटे हुए हमें मिले हैं राजस्थान के जैसलमेर में और ऐसा पहली बार हुआ है। बताया ये जा रहा है कि ये जुरासिक एज से बिलोंग करते हैं, यानी कि लगभग 160 से 168 मिलियन ईयर एगो। ये वही समय है जब धरती पर डायनासोर्स हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा कि जो हाइबोडोन शार्क्स हैं ये शार्क का एक ऐसा ग्रुप है जो आज एक्सटिंक्ट हो चुका है और नहीं पाया जाता, लेकिन एक समय में ये काफी डोमिनेंट ग्रुप हुआ करता था। ये फिशेस जो हैं वो मरीन एनवायरमेंट में यानी कि समंदर में भी पाई जाती हैं, पाई जाती थी, है नहीं, अब तो एक्सटिंक्ट हो गई ना, और फ्लूवियल एनवायरमेंट में भी जैसे कि नदी वगैरह जिसका पानी फ्लो करता रहता है वहां पर भी ये मिलती थी। ये मिलती थी ट्रियासिक और अर्ली जुरासिक पीरियड में, ट्रियासिक पीरियड के अंत के समय में और जुरासिक पीरियड के शुरुआती समय में। ये समझने के लिए आपको जूलॉजिकल टाइम पीरियड देखना पड़ेगा। देखिए ये जूलॉजिकल टाइम पीरियड है या इसमें आपको नीचे से ऊपर जाना है। यहाँ पर सबसे लास्ट में होलोसीन में आपको इंसान मिलेगा 10,000 साल पहले। नीचे आइए तो ये पूरा जो समय है टाइम पीरियड है ये ट्रियासिक है, तो इसके नीचे के समय में यानी जब ये ख़त्म होने वाला था तब, और जुरासिक पीरियड जब शुरू होने वाला था तब, इस टाइम ड्यूरेशन में ये शार्क पाई जाती थी। फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये डिक्लाइन करने लगी मिडिल जुरासिक के बाद, मतलब जुरासिक पीरियड के मिडिल के बाद इनकी संख्या धीमे धीमे गिरने लगी और फाइनली जब क्रिटेशियस पीरियड आता है तो ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाती है। क्रिटेशियस पीरियड में मतलब 65 मिलियन ईयर के आसपास ये एक्सटिंक्ट कर जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया इस पूरे चार्ट में भी। रिसेंट डिस्कवरी में ये पता चला है कि इनके कुछ क्रशिंग टीथ हमें मिले हैं। साइंटिस्ट ने इनको एक नाम दिया है, नाम आप पढ़िए, काफ़ी लंबा सा है ना, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, स्ट्रोफोडस जैसलमेरियंसिस। इतना मुश्किल नहीं है, जैसलमेर से मिला है इसीलिए जैसलमेरियंसिस लास्ट में ऐड कर दिया गया है। वैसे आसान नाम रखा जा सकता था लेकिन वैज्ञानिकों ने रखा है, अगर वो टफ नहीं रखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि वैज्ञानिकों ने नाम रखा है, इसलिए थोड़ा ये लोग जानबूझ के लगता है टफ बना देते हैं। इसमें देखिए जो शुरू में स्ट्रोफोडस जोड़ा गया है वो इसलिए है बिकॉज ये स्ट्रोफोडस जीनस से बिलोंग करता है। इसकी प्रजाति फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डिटेक्ट की गई थी और एशिया में केवल तीसरी ऐसी लोकेशन है जहां पर ये मिली है, इसके अलावा ये जापान और थाईलैंड में डिटेक्ट की गई है, ठीक है।
तो ये तो आपने समझा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक रिपोर्ट के बारे में है जो इंडिया की अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी में रिफॉर्म्स की बात करता है। इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसका देखिए, एक्चुअली में इसे एक एडवाइजरी कमेटी ने प्रिपेयर किया जिसे हेड किया गया था नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के द्वारा। इस रिपोर्ट का पर्पस ये था कि इंडिया में जो अर्बन प्लानिंग है उसकी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाए। इसमें समझा ये जाता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे देश में अर्बन प्लानर्स कैसे हैं, उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, सब चीज़ों को यहाँ पे इवेलुएट किया जाता है। रिकमेंडेशन में ये आया कि हम अपनी अर्बन प्लानिंग को बेहतर करें। अब अर्बन प्लानिंग में आता क्या है, ये सब्जेक्टिव है ना। इसमें देखिए ये होता है कि हम अपनी सिटीज़ को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, उसकी प्लानिंग, हमारे पास जो अर्बन लैंड है, शहरों में जो ज़मीन है, हम उसका ऑप्टिमम यूज़ कैसे कर सकते हैं और ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। रिकमेंडेशन में ये भी कहा गया कि हम अर्बन गवर्नेंस को बेहतर करें, लोकल लीडरशिप को और स्ट्रॉन्ग करें, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल हो सकता है उसे इन्हेंस करें पूरे अर्बन प्लानिंग के एजुकेशन सिस्टम में। तो ये तो बातें इस रिपोर्ट के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ब्लैक टाइगर्स के बारे में है। रिसर्चर्स ने अभी अपना ध्यान केंद्रित किया जो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज से बिलोंग करते हैं, यानी कि NCBS। इन्होंने फोकस किया, ध्यान अपना केंद्रित किया एक रेयर म्यूटेशन के ऊपर जो अक्सर हमें बड़े और मर्ज स्ट्रिप्स वाले टाइगर्स में देखने को मिलता है और इसकी वजह से ये टाइगर्स काले दिखते हैं। इन्हें सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में डिटेक्ट किया गया है। ऐसे टाइगर्स को ब्लैक टाइगर कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि ये एक रेयर कलर वेरिएशन है जो टाइगर्स में पाया जाता है। ब्लैक टाइगर कोई नई प्रजाति नहीं है टाइगर्स की या कोई ज्योग्राफिकल सब स्पीसीज नहीं है, बस कुछ टाइगर्स में म्यूटेशन हो जाता है, इस वजह से उनके स्ट्रिप्स ब्लैक हो जाती हैं और इसीलिए वो काले दिखते हैं, तो उन्हें नाम दे दिया जाता है ब्लैक टाइगर। इनका जो कलरेशन होता है या जो पैटर्निंग होती है वो म्यूटेशन की वजह से होती है। ये एबनॉर्मली डार्क और ब्लैक कोट के कलर में देखने को मिलते हैं। इन्हें इसीलिए श्यूडो मेलेनिस्टिक या फॉल्स कलर कहा जाता है, मतलब गलती से इनका कलर बदल गया। सिमलीपाल में म्यूटेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है टाइगर्स में। अगर आप किसी भी टाइगर को उठाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट 60% म्यूटेशन तो ज़रूर से देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, मतलब वहाँ पर म्यूटेशन ज़्यादा क्यों है और उनमें ब्लैक कलर क्यों आ जाता है, ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से है। हम अक्सर बात करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, स्पीसीज़ में डाइवर्सिटी होनी चाहिए और तभी जो वेरियस स्पीसीज़ होती हैं, जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, वो हेल्दी होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो सिमलीपाल का पूरा एरिया है ये ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड है, इसीलिए ये टाइगर्स जब आपस में मेट करते हैं तो उन्हें कोई डिस्टिंक्ट स्पीसीज नहीं मिलती, ये आपस में ही कई सारी जनरेशन से मेट कर रहे हैं। कुल मिला के इनब्रीडिंग चल रही है, इसी वजह से इनमें ज़्यादा म्यूटेशन देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना पड़ता है। अगर काफ़ी लंबे समय से ऐसा होता रहे तो एक्सटिंक्शन का खतरा भी बना रहता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपको उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, इनफैक्ट उसके नदन हिस्से में। ये काफ़ी बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इसे नाम मिला है सिमुल नाम के एक पेड़ से जिसे आप सिल्क कॉटन भी बोल सकते हैं। इसे 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। तो ये सारी बातें ब्लैक टाइगर और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। यहाँ पर स्टेटमेंट है ट्रू एंड फॉल्स बताने के लिए, आप पॉज करके अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं इसका जवाब बता देता हूँ। पहला वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, दूसरा सूनी इनिशिएटिव ये इनकरेक्ट है बिकॉज इसे नीति आयोग ने एक एंटिटी के साथ मिलकर जारी किया है, दैट इज रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर देखिए इसका रोल तो नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल तो नहीं है। एक्सरसाइज पीसफुल मिशन, ये नाटो मेंबर स्टेट्स के बीच की बैनियल एक्सरसाइज है, नहीं, ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की है, तो ये भी गलत हो गया। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये तो अभी पढ़ा ना, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में नहीं, तो ये भी गलत हो गया। सेशन की PDF ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। इस सेशन में यहीं पे रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।